एज में ही अगर वजन कंट्रोल कर लें तो बेहतर होगा और मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि एक उम्र के बाद मोटापा जिद्दी हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मोटापा अगर आपके शरीर में है तो वो जिद्दी होता जाता है। तो स्वामी जी, ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो इसका मेटाबॉलिक रेट से क्या लेना देना है, ये क्या पूरा रिलेशन है, वो भी समझाइए। ये आपने ठीक कहा, जैसे अभी हम योग कर रहे थे और ये पीछे जो गुरुकुलम के सुंदर सुंदर दृश्य जो है हमारे ड्रोन कैमरा वाले दिखा रहे थे, हमने बच्चों को बचपन में ही 3 से 5 साल के बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं और हम कहते हैं उनको योग में डालते हैं, 18 घंटा पुरुषार्थ कराते हैं, उच्च चेतने में जीने का अभ्यास कराते हैं और कहते हैं छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं, अपने आँखों के सामने बड़ा उद्देश्य रखो, अपने जीवन में बड़ा ध्येय रखो, छोटे उद्देश्यों के लिए, छोटे लक्ष्यों के लिए जीवन को जीना ही जीवन का अनादर तिरस्कार है। तो बचपन में ही बचपन ये हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। अब जिस भवन की नींव कमज़ोर हो और ऊपर कोई उसमें 2, 3, 4, 5 मंजिल टेक दे, थोड़ा सा हवा का झोंका भी आ जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए बचपन की फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बचपन से ही बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार कराएं, बच्चों को बचपन से ही पद्मासन, मयूरासन करवाएं। हाँ, आज चैलेंज भी हम मयूरासन का तो दे चुके, आज नया चैलेंज भी देने वाले हैं। इधर आओ अजय, ये वाला का हमारा अभी अभी से चैलेंज का टाइम बाकी है। चलो तुम तो उत्थित पद्मासन करो, उत्थित पद्मासन, ग्रीवासन, ऐसे 1 मिनट रुकना चाहिए, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, उत्तप्त हो जाती है। और दोनों हाथों को यहाँ कोहनियों के ऊपर ऐसे तान देते हैं तो इसको टिट्टी भासन कहते हैं। धीरे धीरे अभ्यास होंगे, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। ये तो टिटिप भी टिटेरी भी बड़ी वाली आ गई है। और स्वामी जी, आपके बच्चे तो टिटिभासन में भी पुशअप्स लगा लेते हैं। हाँ, पुशअप भी लगाते हैं, ये भी कोशिश कर रहा है। क्या बात, अरे रामा रामा, बच्चे रे तो बड़े रे लगाइए। चलो बैठ जाओ, बैठ, आपने किया इधर हो गया। तो बच्चों को बचपन से योग कराएं, हेल्दी खाना दें, हेल्दी थॉट प्रोसेस, अच्छा वातावरण दें, अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षक और पुरुषार्थ करने का स्वभाव, ये हो जाएगा तो फिर बच्चों के लाइफ से कोई चैलेंज नहीं रहेंगे फिर। स्वामी जी, जल्दी से ज़रा एक और परेशानी का हल बता दीजिए। जिन्होंने अपना वज़न बढ़ा रखा है उन्होंने अपने जोड़ों का जो है हाल ख़राब कर रखा है और वो जॉइंट्स पेन से बेहाल हैं, तो एक्सेस वेट तो कम आपने करवाया लेकिन ज़रा जोड़ों को कैसे मजबूत रखा जाए, उसके दर्द को कैसे दूर किया जाए, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ, ये अर्थराइटिस भी पड़ता है, जैसे बताया ना, क्या नाम बेटा, रीना ने बताया था, पैर सामने खोलो, कि वजन बढ़ा और साथ में वात भी बढ़ गया तो पूरा जाम हो गया था, अब तो खुल गए रीना के हाथ पैर, अभी तो मुस्कुरा रही है, नहीं तो आंसू ही टपकते। बायोलॉजी इन्फेक्सी में 32,000 का एक इंजेक्शन आता था। बायोलॉजिकल लगाती थी? हाँ जी। और अब? अब तो कुछ नहीं लगा रही। बायोलॉजिकल बंद हो गए? हाँ। और हाथ कैसे होते थे? परसों जब आई थी तो 1200 mg की पेन किलर और बोबरान का इंजेक्शन लेके आई थी कि वहाँ पे चल नहीं पाऊंगी, कैसे करूंगी। कल इतनी स्टिफनेस थी, हाथ पूरी स्वेलिंग थी, हाथ ऐसे नहीं हो रहा था। 2 ही दिन में कमाल हो गया। हाँ जी। उपवास भी किया है ना? हाँ जी, उपवास भी किया है। उपवास अब कंटिन्यू करना बेटा 7 दिन। हाँ जी। लो, 96,000 के महीने में इंजेक्शन। पिछले साल फरवरी में लगा था, फिर अप्रैल में लगा और जून में फिर यहाँ आई थी। फिर घर का सारा खर्चा तो तेरे ऊपर ही हो जाता होगा। बड़े, और फिर ये नुकसान बड़ा करते हैं। और ऊपर से स्वामी जी स्टीरॉइड देते थे, स्टीरॉइड और इंजेक्शन। अब बंद बेटा सब। हाँ जी। अब ये फाइटोस्टीरॉइड है, ये क्या, लहसुन, फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, हल्दी,
कर्क्यूमिन गोल्ड, ये नेचुरल फाइटोस्टेराइड और ये सूक्ष्म व्यायाम। और स्वामी जी चाट नींबू चाट टमाटर खटाई बंद और थोड़े दिन उपवास कराते हैं। और स्वामी जी जल्दी से एक जरा प्राणायाम का सेशन करवा दीजिए क्योंकि इंतजार हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। कल जो आपने चैलेंज दिया उसका विनर कौन है, लोग ये जानना चाहते हैं, तो प्राणायाम का एक सेशन। तो देखो प्राणायाम का सेशन जो ज्यादा ना कर पाए तो भस्त्रिका यही करे पूरा आधा से एक घंटा, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लंबे जीवन के लिए। एक दूसरा कपाल भाती, सब लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पैनक्रियास पूरी इंटरनल बॉडी की पूरी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज। और अनुलोम विलोम से तो 72,72,00,000 10,201 नाड़ियां अष्टचक्र नवद्वार पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय को सब कुछ एकदम दिव्य हो जाता, ऊर्जा से अप्लावित हो जाता, भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच अभेद्य किला तैयार हो जाता है। कोई भी बैक्टीरियल वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, कोई भी फिजिकल मेंटल कोई डिजीज होगी नहीं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एकदम अच्छा अनुलोम विलोम से।